सेकंड पार्ट हम करने जा रहे हैं, ये वन वन का उपसारणी। तो इसको ये वन वन को रो कॉलम हटाएंगे तो पांच माइनस एक, एक दो, पांच माइनस एक, एक और दो। ऐसे ही ए कैपिटल वन वन निकालेंगे तो माइनस वन की पावर वन प्लस वन और पांच माइनस एक, एक और दो, कुल मिलाकर ये आएगा माइनस वन की पावर टू। देखिए दस, पांच दूनी दस, माइनस माइनस एक यानी प्लस एक। देखिए ये धन का हो गया, ये ग्यारह यानी धन का ग्यारह हो जाएगा। ऐसे ही हम वन टू निकाल सकते हैं, वन टू यानी इसकी रो कॉलम छुपाएंगे, तीन माइनस एक जीरो दो, तीन माइनस एक जीरो और दो, और ए वन टू यहां से निकालेंगे बराबर माइनस वन की पावर वन प्लस टू, तीन माइनस एक जीरो दो बराबर माइनस वन की पावर तीन, तीन दूनी छ माइनस तीन, कुल मिला के छ ये आएगा माइनस वन, ये बड़ा होगा तो माइनस छ आएगा। चलिए ये ए वन थ्री का उपसारणिक देखेंगे भाई, ये वन थ्री उसकी रो और कॉलम को छुपाएंगे, तीन पांच जीरो एक। ऐसे ही पहले हम सबके उपसारणिक ही देख लेंगे फिर सेकंड देख लेंगे, या फिर यहीं से डायरेक्ट ए वन थ्री करते चलते हैं बराबर माइनस वन की पावर वन प्लस थ्री और थ्री फाइव जीरो वन यही आएगा, माइनस वन की पावर चार हो जाएगा, तीन एकम तीन माइनस जीरो, ये धन का हो जाएगा, ये तीन यानी धन का तीन आएगा। ऐसे ही इसका ए टू वन देखते हैं, दो कॉलम हटाएंगे, जीरो फोर वन टू, जीरो फोर वन टू। ऐसे ही यहाँ से ए टू वन बराबर माइनस वन की पावर टू प्लस वन और जीरो फोर वन टू बराबर माइनस वन की पावर तीन, जीरो माइनस एक टुकुम चार। देखिए माइनस का हो जाएगा माइनस वन की पावर तीन, तो ये खुद माइनस है, कुल मिलाकर के प्लस का चार हो जाएगा। ऐसे ही ये टू टू यानी कि ये रो कॉलम छुपाएंगे वन फोर जीरो टू, वन फोर जीरो टू, ए टू टू बराबर माइनस वन की पावर टू प्लस टू, और ये वन फोर जीरो टू इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस वन की पावर चार, दो एकम दो माइनस जीरो, कुल मिलाकर ये धन का हो जाएगा और दो माइनस जीरो दो, गुणा करेंगे तो ये आएगा। तो ये हमारा हो गया है यहाँ तक। अब हमें एक टू थ्री का उपसारणिक और उसके आगे के निकालने हैं। ए टू थ्री का उपसारणिक, टू थ्री ये है, रो कॉलम छुपाएंगे वन जीरो जीरो वन, वन जीरो जीरो वन। अब सेकंड करेंगे तो माइनस वन की पावर वन प्लस, टू थ्री है तो टू आना चाहिए ना, टू प्लस थ्री और वही वन जीरो जीरो वन बराबर माइनस वन की पावर पाँच। देखिए वन माइनस जीरो यानी माइनस वन गुणा वन यानी माइनस वन आना चाहिए टू थ्री। ऐसे ही थ्री वन यानी कि इसकी रो कॉलम छिपाएंगे, जीरो चार पांच माइनस एक, तो इसका निकालेंगे तो माइनस वन की पावर
थ्री प्लस वन, जीरो चार, पाँच माइनस एक, जो भी आता है माइनस वन की पावर चार आएगा। देखिए जीरो माइनस माइनस जीरो माइनस बीस, देखिए ये धन का आएगा ये ऋण का, यानी माइनस बीस आएगा। ऐसे ये निकालेंगे भाई एम थ्री टू, थ्री टू ये है वे रो कॉलम छुपाएंगे, वन फोर थ्री माइनस वन बराबर, चलिए ये तो आ ही गया है, इसको करेंगे माइनस वन की पावर कितना थ्री प्लस टू और वन फोर थ्री माइनस वन, माइनस वन की पावर फाइव आ जाएगा, माइनस एक तीन चौक बारह, माइनस का तेरह और माइनस का एक यानी कि तेरह। ऐसे ही हम इसे करेंगे, अब लास्ट छुपाना है ये वन जीरो थ्री फाइव, वन जीरो थ्री फाइव और ये माइनस वन की पावर थ्री प्लस थ्री, वन जीरो थ्री फाइव बराबर माइनस वन की पावर छः, पाँच एक पाँच माइनस जीरो, कुल मिला करके ये धन का हो जाएगा, ये पाँच एक पाँच, तो हमारा ये सेकंड भी आ गया है और उपसारणी भी आ गए हैं।